फ्रेंड्स, आईपीएल 2020 के ऑक्शन से पहले एमआई की टीम सारी 8 आईपीएल टीमों में से सबसे मजबूत करंटली नजर आ रही है। इनका स्क्वाड पूरी तरह से ऑक्शन से पहले ही प्रॉपर दिख रहा है और इस ऑक्शन से पहले इस टीम ने धवल कुलकर्णी, इसके अलावा रदरफोर्ड, इसके साथ ही ट्रेंट बोल्ट को ऑलरेडी अपनी टीम में इंक्लूड कर लिया है। इन तीनों प्लेयर के इंक्लूजन के बाद ये टीम और भी अधिक स्ट्रॉन्ग बन चुकी है इस ऑक्शन से पहले। इसके बाद इस टीम के लिए और बड़ी खबरें आई है। इनके दो की प्लेयर हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह करंटली जनवरी में कमबैक करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में। इसके अलावा लसित मलिंगा ने भी 2 साल आईपीएल में खेलने की घोषणा कर दी है। उन्होंने बता दिया है कि वो आईपीएल 2020 और 2021 के सीजन यानी 2 सीजन इस टीम के लिए खेलते हुए दिखेंगे। इतनी सारी बड़ी न्यूज़ों के बाद अब करंटली एमआई की टीम के लिए एक बड़ी न्यूज़ और निकल कर आई है। दरअसल ऑक्शन से पहले ये टीम ऑलरेडी स्ट्रांग थी और बड़ी अच्छी न्यूज़ है इस टीम के लिए करंटली निकल कर आ रही है। इसके साथ ही आरसीबी की टीम के लिए भी ऑक्शन से पहले एक दो बड़ी न्यूज निकल कर सामने आई है। मैं इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करूंगा कि आखिर क्या है एमआई और आरसीबी की टीम के लिए इस ऑक्शन से पहले बड़ी न्यूज निकल कर आई है, इससे क्या बेनिफिट इस दोनों टीमों को ऑक्शन में या फिर आईपीएल सीजन में देखने को मिलेगा। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन और सारे अपडेट्स इस वीडियो में दूंगा। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमेशा की तरह इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपीएल 2020 का सीजन, तो नीचे कई लाइक का बटन दिया होगा उसको जरूर दबा दे और हमारे चैनल को जरूर कर दे सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमने अक्सर देखा है कि एमआई का टीम मैनेजमेंट ऑक्शन से लगभग 2-4-5 महीने पहले ही तैयारियों में लग जाता है और इस सीजन एमआई की टीम डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो कर रही थी और इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर टॉम बेंटन को ये टीम लगभग पिछले 3-4 महीने से देख रही थी और ऑक्शन से पहले ये टीम कॉन्टैक्ट कर चुकी थी उनसे। उन्हें ये टीम खरीदना चाहती थी, काफ़ी अधिक इंटरेस्टेड थी उनमें और एमआई की टीम ने उन्हें मेल भी किया और उन्हें बताया कि आप ऑक्शन में अपना नाम जरूर दें, हम आपको खरीदने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके बाद अब वो ऑक्शन में अपना नाम दे चुके हैं और इस ऑक्शन में टॉम बेंटन आने वाले, ना सिर्फ एमआई बल्कि सीएसके की टीम भी उनके पीछे जाने वाली है। और अभी करंटली टी10 लीग चल रही थी, इसमें टॉम बेंटन का काफी अच्छा प्रदर्शन था और जब टॉम बेंटन से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो आईपीएल 2020 के सीजन में कौन सी टीम में जाना चाहेंगे, तो टॉम बेंटन ने बताया कि वो आईपीएल को काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, सारे मैचेस लगभग वो देखते हैं और वो आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल टीम यानी एमआई की टीम में जाने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। हालांकि एमआई की टीम ने रदरफोर्ड को ले लिया है तो थोड़े कम चांसेस हो गए कि ये टीम टॉम बेंटन के पीछे जाए या फिर नहीं, लेकिन इनके पास इवन लुइस थे, ये इवन लुइस को इस सीजन के लिए रिलीज कर चुकी है और अब टॉम बेंटन के चांसेस बन जाते हैं कि ये टीम उनको अपनी टीम में इंक्लूड करे। हालांकि सीएसके के साथ इस टीम की टक्कर होने वाली है इस प्लेयर को लेकर, लेकिन ये टीम टॉम बेंटन को खरीद सकती है इस ऑक्शन में। इसके अलावा जो दूसरी न्यूज है आरसीबी की टीम के लिए, उसके अकॉर्डिंग आरसीबी की टीम को इस सीजन मिडिल ऑर्डर में अपने लिए क्वालिटी प्लेयर की आवश्यकता थी। इस टीम को एक तो रोबिन उत्तपा के पीछे ये टीम जा सकती है, काफी अधिक चांसेस है। इसके अलावा ये टीम एक ओवरसीज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के पीछे जाए, इस टीम की नजरें ओयन मॉर्गन और करंटली ग्लेन मैक्सवेल पर थी और ग्लेन मैक्सवेल आईपीएल 2020 के ऑक्शन में आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ऐसे कुछ सवाल थे जब से वो क्रिकेट से दूर हुए हैं। लेकिन अब कंफर्म्ड न्यूज मिल चुकी है और ग्लेन मैक्सवेल अपना नाम दे रहे हैं इस ऑक्शन के लिए, यानी अब आरसीबी की टीम के लिए बड़ी न्यूज है। ये टीम ग्लेन मैक्सवेल को इस सीजन के लिए अपनी टीम में इंक्लूड कर सकती है, यानी अब हमें विराट कोहली, और ग्लेन मैक्सवेल या फिर ओयन मॉर्गन, इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन एक टीम में दिख सकता है। ये टीम इन दोनों को खरीदने का पूरा प्रयास करेगी, यानी मिडिल ऑर्डर में इस सीजन ये टीम रोबिन उत्तपा और ग्लेन मैक्सवेल के पीछे जाएगी, ऐसी कुछ रिपोर्ट है आरसीबी की तरफ से, ऐसी कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आरसीबी की टीम को ग्लेन मैक्सवेल को लेना चाहिए या फिर नहीं। इसके साथ ही वीडियो करें लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।